हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडल। तो आज हमारे साथ फ्राइडे लकी विनर में अमनदीप जी जुड़े हैं, जिनका हम फ्राइडे लकी विनर में एल्गो बनाएंगे। हाय अमनदीप जी, कैसे हैं आप? सर, और आपके बारे में कुछ बताइए सर। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, जी स्टेट पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका हूँ। तकरीबन 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लास्ट 1 ईयर से मैं ये जो सेटअप सर आपको मैं सेंड किया है, इसके रिगार्डिंग इसकी मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 98% तकरीबन मुझे प्रॉफिट हुआ हूँ, इसमें लॉस छोटा है और प्रॉफिट बड़ा है। सेटअप मिलता तो बहुत कम है, लेकिन जब भी मिलता है इसमें कोई गुंजाइश रहती नहीं है कि स्टॉप लॉस हो जाए। तो अभी ये इसमें सेटअप को आप लेकिन एल्गो में कन्वर्ट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन वो जब भी किसी ट्रेड में बनता है, जैसे टाटा स्टील में बन गया या रिलायंस में बन गया, बार बार उसको देखना पड़ता है। जब कुछ सेटअप हमारे पास हो तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यस इसमें ये बन रहा है, हम उसमें ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपको आपको सिर्फ वो भी देखना नहीं पड़ेगा और ट्रेडिंग के लिए भी नहीं रहेगा, हम डायरेक्टली ऑटोमेट करेंगे, तो आपका कंडीशन जैसे ही बनेगी सीधा ट्रेड जाएगा आपके ब्रोकर पे। ओके, सीधा ऑटो प्लेसमेंट होगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका SOW है। ओके, जीरोधा का सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। इंट्राडे रहेगा आपका सिस्टम, टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा। ओके, आपकी फ्यूचर। स्क्रीन शेयर, ओके, ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? ओके, तो जीरोधा का API हम लोग यूज करेंगे। सिस्टम आपका इंट्राडे रहेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग जो भी कैलकुलेशंस है वो सारी चलेंगे। इंडिकेटर जो भी है 5 मिनट पे रहेगा। ओके, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो आपका फ्यूचर्स रहेगा, जो भी फ्यूचर्स आप देंगे उस पे फ्यूचर्स पे वो ट्रेड करेगा। ओके, ये आपकी एंट्री की कंडीशंस है। ओके, सुपर ट्रेंड अगर अप रहता है और वीवैप आपका कैंडल के बीच में रहता है, मींस हाई और लो के बीच में रहता है वीवैप, और सेम आपका वेटेड मूविंग एवरेज हाई और लो के बीच में रहता है, ये तीनों कंडीशन जैसे फुलफिल हो जाती है हम लोग बाय ट्रेड करेंगे। करेक्ट सर? सेम अगर आपका सुपर ट्रेंड डाउन रहता है और वीवैप कैंडल के बीच में रहता है और वेटेड मूविंग एवरेज भी हाई और लो कैंडल के बीच में रहता है, ओके, तो हम लोग सेल ट्रेड करेंगे। सिंपल। इसके बाद आपका टारगेट जो भी रहेगा वो 2% है, ये अवेरिएबल है, 2% 3% आप चेंज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1% है, वो भी चेंज कर सकते हैं। ओके, क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं, 1 लॉट 2 लॉट जिसमें भी आपको ट्रेड करना है। ओके, और ऑर्डर टाइप हमारा इंट्राडे है, तो हम मार्केट रखेंगे, MIS मार्केट रखेंगे। इसमें शेयर में से शेयर में करना उसमें हो सकता है कि ओनली फ्यूचर में बैंक निफ्टी में होगा। नहीं, आप फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, इक्विटी है, उसमें कर सकते हैं, जो भी स्क्रिप्ट का नाम देंगे आप उसमें ट्रेड होगा। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंगली सिस्टम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके कोड के लिए बेसिक इंपोर्ट्स हैं। सर, आपको पाइथन का थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो पाइथन एक बेसिक इंग्लिश लाइक सिंटेक्स रहता है, जो भी आप देख रहे होंगे एकदम इंग्लिश जैसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम लोगों को अभी हम जीरोधा के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ओके, तो जीरोधा में मॉर्निंग में आप क्या करते हैं, आपका ID पासवर्ड देते हैं, लॉग इन करते हैं। सिंपल। तो वैसे ही हमको कोड भी हम लोग लिखते हैं तो हमको लॉग इन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन क्या करती है, ऑटोमेटिकली आपका लॉग इन पासवर्ड यूज ID पासवर्ड यूज करती है और लॉग इन करके देती है आपको। ओके, ऑटोमेटिकली करती है, सिर्फ आपको एक TOTP इनेबल करना रहता है, तो वो TOTP आप डालेंगे, उसके बाद आपका लॉग इन हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर कुछ पांडास रहता है, जो हम लोग को डेटा फ्रेम, डेटा हम लोग जो जीरोधा से मंगाते हैं उसको मैनेज करने के लिए हमको पांडास लगता है। फिर डेट टाइम, हमको डेट अगर चेक करनी है, और टैलिप ये रहता है, ये आपका इंडिकेटर, जैसे आपका इंडिकेटर अभी क्या है, जैसे आपका बोल सकते हैं मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज है, तो इसका कैलकुलेशन जो हमको देता है वो हमको टैलिप देता है कि आप हमारे पास कैलकुलेशन है, सीधा आप इसको इंपोर्ट करो और आप यूज करो, हमको शुरू से लिखना नहीं पड़ेगा कि वेटेड मूविंग एवरेज का जो भी कैलकुलेशन है वो शुरू से लिखो। ओके, इसके ये हमारे बेसिक इंपोर्ट्स रहते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख दिया तो हमको चीजें सारी मिल गई। इसके बाद इनिशियलाइज करते हैं कि हाँ हमें लॉग इन करना है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया भाई लॉग इन कर दो आप, तो ये हमने जैसे इनिट लिखा उसने लॉग इन कर दिया। लॉग इन करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन लिखा मैंने डेटा के लिए, जैसे डेटा हमको देगा हिस्टोरिकल डेटा का, जो आप चार्ट पे कैंडल स्टिक का डेटा देखते हैं वो डेटा हमको जीरोधा से मंगाना पड़ता है।
तो उसको मंगाने के लिए हमको ये फंक्शन छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, हिस्टोरिकल डेटा हमको जीरोधा से मिलेगा, ओके। उस पर हम लोग लगाएंगे इंडिकेटर अपना, उसके बाद ये ऑर्डर प्लेसमेंट करने के बाद ऑर्डर किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ उसका एक छोटा सा फंक्शन। अभी हम लोग हमारा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, ओके। तो फर्स्ट आपका डेटा हमको जो चाहिए वो कंप्लीटेड कैंडल का डेटा चाहिए, जिसपे आपका सुपर ट्रेंड, यहाँ छोटा सा मैं एक सुडो कोड लिख लेता हूँ, सुपर ट्रेंड इक्वल्स टू अप मिलना चाहिए, एंड लॉजिक हम लोग सीधा यहीं से पिक करते हैं। सुपर ट्रेंड अप होना चाहिए हमको, सीधा एकदम इंग्लिश लाइक सिंटैक्स रहते हैं पाइथन का, जैसे ही मैंने आपके सामने वहीं से कॉपी करा है मैंने सब चीजें, ओके। और वेटेड मूविंग एवरेज का भी इसको हम लोग अलग अलग कंडीशंस में ले लेते हैं, ओके। एक कंडीशन ये हो गई हमारी कैंडल हाई वी वैप, कैंडल लो वी वैप, ये दूसरी हो गई वेटेड मूविंग एवरेज की, तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, ओके। तो इधर पा लेंगे कंडीशन वन इक्वल्स टू ये होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग सुपर टेन हमारा अप होना चाहिए, कंडीशन टू हमारी ये रहेगी कैंडल हाई से छोटा होना चाहिए पी वैप और कैंडल लो से बड़ा होना चाहिए पी वैप, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, ओके। अभी तीसरी कंडीशन कैंडल हाई बड़ा होना चाहिए वेटेड मूविंग एवरेज 55 से और वेटिंग एंड वेटेड मूविंग एवरेज बड़ा होना चाहिए कैंडल लो से, ओके। तो इस बीच में हमारा वेटेड मूविंग एवरेज बॉडी के बीच में रहेगा कैंडल, ओके। ये हमारी हो गई बाय की कंडीशन। अभी सेल के लिए हमको सिर्फ ये डाउन में चाहिए, ओके। तो अभी हम लोग सबसे पहले जीरोधा से डेटा मंगाते हैं और डेटा मंगाने के बाद उस डेटा में इंडिकेटर इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में आपका कोडिंग चल रहा है, राइट साइड में हम लोग उसका रिजल्ट मतलब डिबगिंग कर रहे हैं, ओके। तो राइट साइड में आपको दिखता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं कोडिंग में, ओके। तो अभी हम लोग डेटा गेट स्क्रिप्ट, ओके। तो अभी हमारे पास डेटा होना चाहिए, डेटा, ओके। आईओसी का अभी फॉर टेस्टिंग, अभी हम लोग जब तक स्क्रिप्ट बना रहे तो मैंने आईओसी का स्क्रिप्ट लिया हुआ है, ओके। हम लोग उसके बाद फीचर्स या ऑप्शन जो भी है उसमें स्विच कर देंगे। तो अभी हम लोग इस ये हम पर आप देख रहे होगे यहाँ राइट साइड में हमको डेटा मिला है, ओके। ओपन का ओपन मिला है, हाई मिला है, लो मिला है, क्लोज मिला है, वॉल्यूम मिला है, तो इस तरह से हमको जीरोधा डेटा देता है। अभी इसमें हम लोग इंडिकेटर लगाएंगे हमारे, जैसे कि वेटेड मूविंग एवरेज फिर सुपर ट्रेंड। तो वेटेड मूविंग एवरेज के लिए हमको जाना पड़ेगा टैलिब, टैलिब हमको देता है इंडिकेटर्स, तो हम यहाँ पर जाएंगे टैलिब, टैलिब का ये पेज है, इसमें डालेंगे वेटेड वेटेड मूविंग एवरेज, यहाँ पर गया इसको यूज कैसे करना है उसका यूज केस भी यहाँ पर दिया रहता है, इसको पिक करा कॉपी करा मैंने सीधा यहाँ पर डेटा में, गेट डेटा ये मिलेगा करंट डे डेटा, ओके। इसको कर देता हूँ मैं डेटा यहाँ पर टैलिब डॉट वेटेड मूविंग एवरेज और डेटा में से हम लोग पिक करेंगे क्लोज, क्लोज पिक करा। अब वेटेड मूविंग एवरेज आपको लगाना है
55 पीरियड का, तो यहाँ पर मैंने 55 दे दिया, टाइम पीरियड में हम देंगे 55, तो 55 के हिसाब से वो डेटा हमें देगा। ओके नेक्स्ट, अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, इसने हमें वेटेड मूविंग एवरेज दिया है क्या। ओके डेटा डेटा वेटेड मूविंग एवरेज, एक बार और कॉल करेंगे हम डेटा, डेटा आ गया, डेटा में अभी हम लगाएंगे वेटेड मूविंग एवरेज, अभी हम डेटा प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वेटेड मूविंग एवरेज हमको मिल गया है। ओके अभी इसको हम एक बार ज़ीरोधा से कंपेयर करते हैं, आईओसी का चार्ट लगाना पड़ेगा हमको 5 मिनट पे, और यहाँ पर लगाते हैं हम लोग आईओसी, ओके यहाँ पर लगाएंगे आईओसी, वेटेड मूविंग एवरेज हमारा लगा हुआ है स्टडीज, वेटेड मूविंग एवरेज 55 का हमने दिया, 55 का हमको मिला है 11:40 पे, वेटेड मूविंग एवरेज 107.623। ओके 11:40 का हम लोग कैंडल देखेंगे, 11:40 का पीवीआर पे 107.62, ओके ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिला है हमको। ओके तो हमारे पास अभी वेटेड मूविंग एवरेज आ गया है, अभी हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड, तो सुपर ट्रेंड के लिए यहाँ पर मैंने सपोर्ट लाइब्रेरी में पहले से ही इंडिकेटर का सेटअप क्रिएट कर रखा है। ओके तो हम डायरेक्टली उसे पिक करेंगे, यहाँ पर लगाया हमने सुपर ट्रेंड, यहाँ पर किया इंपोर्ट, सुपर ट्रेंड के पैरामीटर हमने आ लिए 7 और 3। ओके यहाँ पर सुपर ट्रेंड के पीरियड और पैरामीटर है, 7 पीरियड है, 3 उसका मल्टीप्लायर है। ओके तो अभी हम लोग सुपर ट्रेंड भी यहाँ से पेस्ट कॉपी करेंगे, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, पांडास टीए लाइब्रेरी है जो हमको सुपर ट्रेंड दे रही है, तो हमने पांडास टीए को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद उसके पैरामीटर पीरियड्स और मल्टीप्लायर दिए, यहाँ पर दे दिया, अभी हम यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके तो अभी हम डेटा देखते हैं, डेटा देखा तो यहाँ पर हमको सुपर ट्रेंड की वैल्यू मिल गई है। ओके हमको उसका नेचर भी चाहिए, रेड है या ग्रीन है या अपर डाउन है। ओके तो उसके लिए हम लोग ये कॉल करा हमने, डेटा इज नॉट डिफाइंड, डेटा में गए हम, डेटा एरिया टैलिब डॉट ट्रेंड
ये डॉट सुपर टाइम, डेटा हमने हाई का दिया, डेटा लो का दिया, डेटा क्लोज का दिया, पीरियड वन दिया, मल्टीप्लायर दिया, ओके। इसके बाद ये हमको डेटा मिला, तो इसको हम लोग एक बार रखते हैं डीएफ में, डीएफ डॉट टू अंडरस्कोर सीएसबी, इसमें से निकालेंगे हम सुपर ट्रेंड का नेचर, डेटा हमको वन और जीरो में दे रहा है कि अगर वन है तो ग्रीन है और माइनस वन है तो रेड है, ओके। तो इस हिसाब से हमें पिक करना पड़ेगा, ये हमको कॉलम देगा, इस कॉलम में रहेगा, तो हम एक कॉलम लेंगे, अभी इसको हम कॉल करेंगे, कॉल करा, अभी डेटा दिया हमने, डेटा दिया तो हमको यहाँ पर मिल गया डेटा, ओके। तो जैसे अभी आईओसी में देख रहे हैं तो अभी ग्रीन चल रहा है, वन चल रहा है मींस ग्रीन है, ओके। यहाँ पर 11:25 से लेके, ओके, तो अभी हम यहाँ देखते हैं, तो ये सुपर ट्रेंड हमारा आईओसी में ग्रीन चल रहा है, ओके। तो हमको सुपर ट्रेंड का भी डेटा मिल गया, अभी हमको चाहिए वीवैप, तो वीवैप के लिए हमें काइट डॉट कोट कॉल करना पड़ेगा, चेक करते हैं इसमें, ओके इसने ये दिया, यहाँ पर से हम निकालेंगे स्क्रिप्ट का नाम, इसमें दिया, इसमें अभी हमें एवरेज प्राइस चेक करना पड़ेगा जो हमें देता है, वीवैप का वैल्यू, एवरेज प्राइस, ओके। तो ये एवरेज प्राइस हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर होगा वीवैप के, 107.74, हम लोग यहाँ चेक करेंगे वीवैप स्टडीज में, वीवैप हमारा ग्रीन है, 107.75 हमारा वीवैप चल रहा है, ओके 107.75 यहाँ पर मिला, 107.75, ओके। तो हमको मिल गया यहाँ पर वीवैप हमारा, एवरेज एवरेज प्राइस, अभी हम डायरेक्टली इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ मिल गया 107.74, तो ये आपको मिल गया वीवैप, लिखेंगे वीवैप, ओके। तो अभी हमारे पास तीनों इंडिकेटर का डेटा है, हमारे पास वेटेड मूविंग एवरेज है, सुपर ट्रेंड है और वीवैप है, तो अभी हम इसको लास्ट कंप्लीटेड कैंडल पे चेक करेंगे, यहाँ पर हमने सारा डेटा लगा दिया, अभी हम लास्ट कंप्लीटेड कैंडल पे देखेंगे कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो हम लास्ट कैंडल को उसको वीवैप और सुपर ट्रेंड को वेटेड मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को लास्ट कैंडल का डेटा पिक कर लेते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे डेटा, डेटा डॉट तो ये हमें लास्ट कंप्लीटेड कैंडल का डेटा मिल गया, ओके। अभी इसमें से हम निकालेंगे सीधा, हम यहाँ पर पिक करते जाएंगे अभी लास्ट कैंडल, सुपर ट्रेंड का लास्ट कैंडल यहाँ पर डालेंगे हम, ये सुपर ट्रेंड की वैल्यू, ओके। सुपर ट्रेंड जो हमको जहाँ पर हमको वन वैल्यू मिल रही है वो हमारे लिए ग्रीन है, ओके। जहाँ माइनस वन मिल रही है वो हमारे लिए रेड है सुपर ट्रेंड, ओके। यहाँ पर हम सेल के लिए कंडीशन टू में डाल देंगे माइनस वन, ओके। ये हमारी कंडीशन टू हो जाएगी, कंडीशन थ्री में हमें कैंडल का हाई देखना है, तो लास्ट कंप्लीटेड कैंडल का हाई, हाई बाय हाई लिया, ये हो गया, अभी कैंडल लो में लास्ट कंप्लीटेड कैंडल का लो, ये लिखा जाता है लो लिखा हमने,
अभी हमें वी वेब चाहिए, तो वी वेब हमें डायरेक्ट वी वेब में मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग ये कंडीशन का यूज करके एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे। अच्छा वेट वेटेड मूविंग एवरेज रह गया। थर्ड कंडीशन हो गई हमारी, फोर्थ कंडीशन कंडीशन हो गई, तो लास्ट कंप्लीटेड कैंडल का वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड एम ए ओके, तो अभी हम यारी कंडीशन सारी चेक कर लेते हैं। हमारी कंडीशन को कॉपी करेंगे यहाँ पर पेस्ट, एरर ओके, लास्ट कंप्लीटेड कैंडल डिफाइन नहीं करा रहे, यहाँ करा डिफाइन, तो हमको मिल गया लास्ट कंप्लीटेड कैंडल। और हम कंडीशन सारी चेक करेंगे, वी वैप इज नॉट डिफाइंड, तो वी वैप को भी हम वेरिएबल में ले लेते हैं, वी वैप को करा डिफाइन। अभी हम यहाँ सारी, तो अभी हम कंडीशन वन देखेंगे, कंडीशन वन हमारी ट्रू हो रही है। कंडीशन टू देखेंगे, कंडीशन टू फॉल्स रहेगी क्योंकि रेड नहीं है इसको पैटर्न। कंडीशन थ्री देखेंगे, कंडीशन थ्री ट्रू है, वी वैप से बड़ा हाई है और लो से बड़ा वी वैप है। यहाँ देखेंगे वी वैप से बड़ा हाई है और वी वैप से छोटा लो है। एक मिनट, लास्ट कंप्लीटेड कैंडल हम लोग चेक करते हैं। लास्ट कंप्लीटेड कैंडल हमारे पास 1140 की है, 1140 पे हम लोग देखेंगे। हाँ, तो ये 1140 पे हमारी कंडीशन वी वैप वाली सेटिस्फाई हो गई थी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन फोर चेक करेंगे हम लोग। कंडीशन फोर हमारी कंडीशन फोर फॉल्स है हमारी। ओके, वी वे वेटेड मूविंग एवरेज अभी हमारे हाई और लो के बीच में नहीं है। ओके, तो हमारी चारों कंडीशन बन गई। आपने सर कभी कोडिंग ट्राई भी नहीं करा गया कि आपने कभी सोचा हो कि मुझे ट्रेडिंग तो सर आता एक है, बार मैं शायद ओरेकल डीबी के लिए चंडीगढ़ गए थे, वहां पर हमने डिस्कस कर दिया कंप्लीटली नहीं ओके लॉक्स करते हैं। ओके, तो उसके बाद आपने कुछ ट्राई नहीं करा। उसके बाद मेरी जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब में करता हूँ मैं, फार्मास ओके में। ओके, हाँ, सही। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा कंडीशन वन, कंडीशन थ्री एंड कंडीशन फोर, ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग बाय ट्रेड लेंगे। अगर हमारी कंडीशन टू सेटिस्फाई होती है, थ्री एंड फोर, ओके, तो हम यहाँ पर सेल ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी ज़ीरोधा की तरफ से कोड रहता है, तो हम लोग डायरेक्टली वो कोड पिक करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे बाय बाय ऑर्डर, ये मिलेगा हमको बाय वैरायटी रेगुलर है, एक्सचेंज अभी एनएससी कर देते हैं हम लोग। ऑप्शंस स्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्ट वाले वेरिएबल में है, उसको स्क्रिप्ट कर देते हैं। ट्रांजेक्शन टाइप हमारा बाय रहेगा, क्वांटिटी आपकी क्वांटिटी में है, प्रोडक्ट इंट्राडे है, ऑर्डर टाइप मार्केट। ओके, तो ये होगा तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा बाय का। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा प्लेस हो जाएगा सेल का। सर कई कई बार मार्केट चौकी रहती है, उसमें क्या करें? किस तरह का कंडीशन रहता है सर? जैसे मार्केट साइड साइडवेज में होगी,
उस टाइम दोनों तरफ ही सिग्नल मिलेगी, क्योंकि तो जो मूवमेंट नहीं होगी तो वीवा भी एक साथ सीधा जाएगा और मूविंग एरे एक सीधी जाएगी। उसके बाद जो सुपरलैंड है वो बार बार 22 सेकंड में दे जाएगा। उसके बाद हाँ सर, उसने क्या करना है? उस केस में सर हम लोग ने अभी ना ये कंप्लीटेड कैंडल का डेटा लिया एक्चुअली, जैसा कि जैसे अभी कंसीडर करते हैं कि 1:30 हो रहे हैं, ओके, ये कैंडल पे तो यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहेगा। आप बोल रहे हो कि सुपर ट्रेंड हमारे यहाँ पर ग्रीन रेड होगा। नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसे ही ग्रीन हो गया। नेक्स्ट ऊपर कैंडल पे जाके कैंडल ऊपर गई, नियर ओके अबाउट 10-20 या 30 पॉइंट के ऊपर गई, ऊपर जाके ओके सुपर ट्रेंड में सेल का सिग्नल ले लिया, फिर दोबारा जो डाउन नीचे आ गया। और वी गैप और मूविंग एवरेज ये बीच में साथ जा रहे हैं। इसमें आपको बता देता हूँ, एक दिन एक सर, सेकंड आपको, अगर वैसा कोई कंडीशन जिन साइडवेज मूवमेंट होगी उस दिन, ये कैसे करेगा? सर उसको सिस्टम में ऐसा है कि सिस्टम को जिस हिसाब से आपने डिजाइन कराया ना उस हिसाब से वो ट्रेड लेता रहेगा। सर अगर आप वो एक साइड 20 डेज की एक दिन खोलना आपका, इसमें यही 20 ये में नहीं 20 नहीं ये 20 जून को, 20 जून हाँ डेज 2 दिन पीछे, सॉरी 4 डेज। यहाँ पर सर मॉर्निंग में पहले तो डाउन से रिव्यू दिया सुपरलैंड ने, उसके रिगार्डिंग सेम साथ साथ ही ना ऊपर मार्केट ना नीचे, फिर सुपरलैंड ने अब सिग्नल दे दिया, इसके ऊपर कट नहीं रहा। नेक्स्ट फिर सुपरलैंड ने डाउन सिग्नल दे दिया, फिर सुपरलैंड ने अप सिग्नल दिया, इस चौपी मार्केट में क्या करेंगे? ओके 1 मिनट 20 जून 20 20 हाँ 20 डेज में जी, अजीत भाई फिर पहले नीचे आया, इसने सेल दिया ऊपर से, पर एक कंडीशन मैच नहीं है इसमें। नहीं सर, इसमें तो कंडीशन मैच ही नहीं हो रही है आपके। यहाँ पर बाइक की कंडीशन नहीं, मैच नहीं हो रही, यहाँ पर नहीं हो नहीं, रही, यहाँ पर भी नहीं हो रही, नहीं, यहाँ पर सेल की कंडीशन मैच हो रही है। ओके उसके बाद यहाँ पर मैच नहीं हो रही, ये मैच तो नहीं हो रही सर आपकी। वैसे यहाँ पर आपकी बाय हो रही लेकिन वो 3 बजे के आसपास हो रही है। ठीक है। लेकिन वो कोड का ऐसा सर, जिससे आपने डिजाइन करा है वो, उसको कंडीशन मिलेगी, वो एंट्री लेता जाएगा एग्जिट करता जाएगा। वो तो ओके ठीक, जिस तरह से आप डिजाइन करेंगे ना उसको, उस हिसाब से वो ट्रेड लेगा वो। ओके तो अभी हम लोग ने एंट्री कंडीशन लिख दी है, एंट्री का कोड हो गया हमारा। अभी इसके बाद हमारा ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें ऑर्डर आईडी मिलेगी। ऑर्डर आईडी से हम लोग उस पर्टिकुलर ऑर्डर का एग्जीक्यूटेड प्राइस निकालेंगे। ओके तो हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। इनसफिशिएंट मार्जिन ओके 25, 22 हम कम करते हैं। कभी आपने सर एल्बो को रन होते हुए देखा है क्या? किस कितना फास्ट रहता है एल्बो? वीडियो में देखा हुआ ऑलरेडी, कई देखा था यूट्यूब में देखा, लाइव हेडिंग ओके एक मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि आप देखिए एल्बो कितना फास्ट रहता है। यहाँ मैं साइड बाय साइड मेरा टर्मिनल ओपन करता हूँ। ऑर्डर है यहाँ पर मेरा टर्मिनल ओपन है। यहाँ पर अभी ऑर्डर एक ही गया हुआ है। ओके अभी मैंने छोटा सा कोड लिखा है जो 50 ऑर्डर्स प्लेस करेगा। उनके बीच का टाइम देखिएगा आप, कितने मिली सेकेंड्स में ऑर्डर प्लेस होता है।
देख रहे हैं कितनी को, क्वांटिटी? 50 क्वांटिटीज डाली थी मैंने, 51 एक इनिशियल था, उसके बाद आप सेकंड्स देख रहे हैं, एकदम मिली सेकंड्स में उसने सारे 50 ऑर्डर डाल दिए। तो ये रहता है पावर ऑफ एल्गो। इतने आप ऑर्डर अगर मैन्युअली डाल रहे होते तो आपको कितना टाइम लग जाता तो फिर बार बार ऐसे बाय सेल बार करते हैं, बार नहीं करना। कई बाय सर। बार तो एंट्री इतनी जल्दी होती कि ब्रेकआउट पे टाइम नहीं मिलता है एंट्री करने का। हाँ तो भी हम लोग हमारे एल्गो पे आते हैं। जिरोधा की प्रॉब्लम है, कई बार लिमिट ऑर्डर डालते हैं तो वो जिसी जो प्राइस चल रहा है उसमें एग्जीक्यूट हो जाता है। ये जिरोधा की प्रॉब्लम चल रही है, कैसे होता है? जैसे कैसा हमने कोई लिमिट ऑर्डर डाला, जैसे इसका ओके प्राइस चल रहा है 500 चल रहा है, मैंने बाय करना है 510 पे, मैंने ओके लिमिट ऑर्डर डाल दिया, तो कई बार क्या होता है वो 500 पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके सर, ऐसा कंडीशन तो मेरे साथ नहीं हुआ एक्चुअली, तो मुझे इसका एक बार नॉलेज दो नहीं तीन है। बार हो चुका है, कई बार वो एंट्री ओके लेनी तो लेट होती है ब्रेकआउट पे, जब एंट्री लिमिट ओके डालते हैं तो उसी रेट पे एग्जीक्यूट हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है। ओके ओके नहीं सर एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई कंडीशन अभी आया नहीं मेरे पास। आप जीरोधा के जो फॉरम रहता है ना उस पर ऐसा इशू रेज कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कंडीशन हो रहा है, आपको मैं जीरोधा का फॉरम बता देता हूँ। जीरो यहाँ पर आपको टिकट रेज करना है ना, तो यहाँ पर आके टिकट ठीक रेज कर सकते हैं, यहाँ पर support.zerodha.com पे। ओके जो भी आप जीरोधा के टर्मिनल से, इस टर्मिनल से ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहे हैं या इसमें कोई इश्यू आ रहा है आपको, तो यहाँ पर आप आके टिकट क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने लिमिट ऑर्डर डाला था लेकिन वो उस प्राइस पे जाके एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इस कारण मुझे लॉस हो गया, तो वो एक आपको सोल्यूशन वहां से प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके यहाँ पर जीरोधा का, जीरोधा सपोर्ट पे कई बार जाके। ऐसा हुआ कि आज शेयर में भी दो बार हुआ है सर, उसका दोनों बार ही एक्सपर लॉस में तो नहीं गया पर है तो था वो प्रॉफिट भी, फिर भी ये एग्जीक्यूट हो गया। ओके वो अभी मेरे पास चल गया है, आपको बता देता हूँ। तो एशियन पेंट का लिया था, तकरीबन मैंने ऑर्डर डाला था 2740 का, ओके उसका प्राइस चल रहा है 2742 चल रहा था, 2740 का सेल का ऑर्डर डाला था उसमें, वो 2742 में उसने मुझे एग्जीक्यूट कर दिया सर। अभी तो वो नीचे चल रहा है क्योंकि उसी प्राइस पे चल रहा है, प्राइस पे लिया था। ओके तो रीजन एग्जीक्यूटेड मिलेगा, एग्जीक्यूटेड प्राइस हम लोग देंगे उसमें से, ऑर्डर डिटेल्स प्राइस में से। तो अभी हमको किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गया है वो मिला है? एग्जीक्यूटेड प्राइस हमको मिल गया। तो हम यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस, इससे सर क्या है, ये फायदा अभी बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट डाउन साइड भी मिला था, तीनों ओके के सभी ने, मेरे पास दो तीन चैनल चल रहे हैं, सभी ने सेल का बोला, सभी के हाँ सभी अभी लॉस में हैं ओके सभी तीनों जो चल रहे हैं उनके तीनों लॉस। एक्चुअली उन्होंने डाउन साइड के सिग्नल दिया था, थोड़ा डाउन आ गया उसके बाद अप हो गया, एक्चुअली तीनों कंडीशन मीट नहीं हुई जो मेरा जो चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही, निफ्टी खास करके निफ्टी नीचे आया डाउन में और फिर वापस। ओके
चालीस पाँच 50 पाँच ऊपर जा चुका हूँ। एग्जीक्यूटिव प्राइस टारगेट मिल गया हमको, स्टॉप लॉस परसेंट यहाँ से पिक करेंगे। स्टॉप लॉस की कंडीशन हम फिल करते हैं या ऑटोमेटिकली हो गया? नहीं सर, ये स्टॉप लॉस, ये जो एल्कोवी डिजाइन हो रहा है ना, इसमें वो एलटीपी चेक करता रहेगा। ओके, आपने एक स्टॉप लॉस एंट्री ले लिया 100 पे सपोज करिए, ओके, आपने स्टॉप लॉस डाला है 80 पे, तो सिस्टम है ना कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा कि जब परसेंटेज लेगा तो प्राइस का लेगा। नहीं, वो परसेंटेज में, वो एग्जीक्यूटेड प्राइस के सम परसेंटेज, जैसे आपने 2% लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, ओके, 100 पे आपका कोई ऑर्डर 100 पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो 2% के हिसाब से स्टॉप लॉस आपका 98 पे हो जाएगा, ऐसा है। ओके, तो यहाँ पर ये परसेंटेज में दिया हुआ है, आप 1% 2% जितना देंगे उस हिसाब से वो स्टॉप लॉस प्राइस रखेगा। बाद में फिल करना पड़ेगा या आप ऑटोमेटिक होगा? नहीं, वो आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, अभी तो मैंने फिल कर दिया है, आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो बाद में। स्टॉप लॉस इसका माइनस हो रहा है। इसमें ट्रेनिंग स्टॉप लॉस की भी कमीशन होती है सर? ट्रेनिंग स्टॉप लॉस के लिए सर अलग से फिर वो कोड लिखना पड़ता है, अगर आपको ट्रेनिंग स्टॉप लॉस करना है ना। इन केस हम बीच में जो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही टारगेट आ रहा है और ना ही स्टॉप लॉस हो रहा है, हम इसको थोड़े को काटना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है इसमें या फिर दो ही काटते हैं? नहीं, फिर आपको ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा, बंद करने के बाद आप मैनुअली ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो सिस्टम तो फिर उस हिसाब से ट्रेड कर, जब उसको कंडीशन मिलेगी तभी वो एग्जिट करेगा, मतलब सिस्टम एक रोबोट है, उसको आपने जिस हिसाब से बोला है उसी हिसाब से वो काम करेगा, आप जितना जितना उसको बताओगे उतना उतना वो काम करेगा। अभी हमने उसको उस हिसाब से डिजाइन करा है एसओडब्ल्यू के हिसाब से, तो उस हिसाब से चलेगा। अभी हम लोग यहाँ पर इफ ट्रेडेड अगर हमको यस मिल जाता है तब हम आगे जाके चेक करेंगे। अभी हम प्रिंट करेंगे, हमारा एलटीपी प्रिंट करेंगे, काई डॉट एलटीपी करेंगे, तो यहाँ से हमको मिल गया एलटीपी। अभी इसमें से लास्ट प्राइस निकालेंगे, एलटीपी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का हमें एलटीपी मिल गया है। अभी हम टाइप टू बाय कर देंगे, क्रेडिट टाइप इसमें हम लोग सेल कर देंगे, क्रेडिट टाइप हमारा रिक्वेस्ट टू बाय रहता है तो हम लोग चेक करेंगे एंड हमारा एलटीपी, एलटीपी अगर बड़ा हो जाता है या इक्वल्स टू हो जाता है हमारे टारगेट के, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो स्टॉप लॉस हिट के लिए हमारा एलटीपी ऑफ स्क्रिप्ट जो रहेगा, एलटीपी ऑफ स्क्रिप्ट है वो हमारा छोटा होना चाहिए स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस से तो अगर हमारा क्रेडिट टर्म ने हमने ट्रेड अगर बाय कर लिया हुआ है तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा एलटीपी टारगेट से बड़ा हो जाए तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, या फिर एलटीपी हमारा स्टॉप लॉस से नीचे चला जाए तो हमारा एग्जिट करना पड़ेगा हमको। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एग्जिट बाय ट्रेड। नेक्स्ट अभी हम लोग चेक करेंगे
सेल के केस में, सेल के केस में अगर हमने एंट्री, ओके सेल के केस में ट्रेडेड टाइप हमारा सेल रहेगा और एलटीपी हमारे, एलटीपी हमारा टारगेट से छोटा होना चाहिए और स्टॉप लॉस से बड़ा हमारा एलटीपी होना चाहिए, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके इस केस में हम लोग सेल ट्रेड को एग्जिट करेंगे। बारी हमारा एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर हमने डेटा कॉल करा है, डेटा कॉल करने के बाद उसमें इंडिकेटर लगाए और वीवैप लाया, लास्ट कैंडल लिया। ओके इसको हम लोग एक बार डायनेमिक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट देंगे डायनेमिक हो गए। अभी लास्ट कैंडल और एक्सचेंज में हम लोग डायनेमिक रख लेते हैं। एक्सचेंज प्लस अभी एक्सचेंज को हम लोग ऊपर डिफाइन कर देते हैं। अगर एनएससी का स्क्रिप्ट है तो एनएससी देना है। यहाँ पर सर मैंने एक्सचेंज और स्क्रिप्ट के लिए अलग से वेरिएबल दिए हैं। ओके अभी हम लोग टेस्टिंग इक्विटी में कर रहे हैं, तो एक्सचेंज हमारा एनएससी रहेगा या बीएससी रहेगा। ओके अगर आप यहाँ पर एनएफओ में करते हैं, तो यहाँ पर एनएफओ मीन ऑप्शन या फ्यूचर्स में, तो यहाँ पर आपको एनएफओ देना है। ओके डालना पड़ेगा, हाँ आपको डालना पड़ेगा वो, अभी तो मैं टेस्टिंग लिए कर रहा हूँ, बाद में आपको डाल के दे दूंगा। ओके ओके ये हो गया। ट्रेडेड बाय हो गया, तो हमको अभी एग्जिट ऑर्डर प्लेस करना है। बाय के केस में हम लोग सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे और सेल के केस में बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। वैरायटी एक्सचेंज डॉट एन एस सी बाय एक्सचेंज 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 बढ़िया इसको किसी शेयर का प्राइस तो 100 है, किसी का 500 है, किसी का 5000 है। ओके तो आपको लिमिट ऑर्डर डालना है या मार्केट ऑर्डर डालना है? सर मार्केट ऑर्डर डालना है ना? हाँ तो मार्केट ऑर्डर में आपको कुछ प्राइस नहीं डालना रहता। सर इसकी कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास कितनी डिमांड हो रही है कि हम सारे मतलब तीन स्टॉक में इसकी कमीशन खुद हुई है, रिलायंस भी हुई है और एक्सिस बैंक में होगी और आईडीसी बैंक दोनों में होगी, और कैसे एल्गो कैसे हमने फाइंड करेगा कि हमने कितनी क्वांटिटी डालनी है? क्वांटिटी हम खुद डालेंगे, क्वांटिटी आपको देना पड़ेगा सर एक बार कि आपको जी कैसे इन्फॉर्मेशन आएगी कि इसमें फुलफिल हो रही है? नहीं नहीं सर वो उसको मिलेगा ऑर्डर, वो प्रिंट करेगा और डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देगा, वो कंडीशन चेक करेगा, उसको मिलती है कंडीशन तो वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देगा वो। इसमें वो रन करने पड़ेंगे पहले जो स्टॉक इसमें हाँ हाँ वैसा आप कर सकते हैं। कितने स्टॉक ऐड कर सकते हैं आइडिया? स्टॉक आप बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, बस उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि सिस्टम हर एक स्टॉक का डेटा मंगाएगा।
और उसमें चेक करेगा कंडीशन, तो उस हिसाब से वो टाइम बढ़ जाएगा। ऑर्डर प्लेसमेंट में फिर उतना टाइम लगता है। ओके अभी ओके वॉचलिस्ट ले लेते हैं। तो इसमें आप टाइम ही चेंज कर सकते हैं, कुछ टाइमिंग कैसा भी टाइम है कुछ, जैसे 5 मिनट से 3 मिनट करना हो तो वो चेंज कर फाइव या सकते हैं, टेन फाइव करना। 5 मिनट से 10 मिनट कर सकते हो। तो अभी वॉच लिस्ट है हमारे पास, वॉच लिस्ट के बाद हम लोग एक एक स्क्रिप्ट को चेक करेंगे, चेक करने के बाद डेटा मंगाएंगे, डेटा मंगाने के बाद उसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम वो कंडीशंस चेक करेंगे, एंट्री कंडीशन बन रही है तो एंट्री के बाय, एंट्री बाय की कंडीशन बन रही है तो बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, एंट्री की सेल की कंडीशन बन रही है तो सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया फिर हम लोग यहाँ पर उसका टारगेट और स्टॉप लॉस हिट होने का चेक करेंगे। ओके तो अभी हमको यहाँ पर एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स। ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर डालेंगे ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स इक्वल्स टू, स्क्रिप्ट का नाम डालेंगे हम लोग कि हमने ये वाली स्क्रिप्ट में ट्रेड कर चुके हैं, हमारा स्क्रिप्ट। ट्रेडेड स्क्रिप्ट के अंदर हम डालेंगे हमारा टारगेट प्राइस, टारगेट के अंदर डालेंगे हम टारगेट, स्टॉप लॉस के अंदर डालेंगे हम स्टॉप लॉस, एक बार चेक करते हैं इसको। यहाँ ट्रेडर स्क्रिप्ट नाम की एंट्री डिक्शनरी बनाई, टारगेट मैंने दिया 10, स्टॉप लॉस दिया 5, स्टॉप लॉस देने के बाद एक स्क्रिप्ट का नाम देते हैं, स्क्रिप्ट दे देंगे आईओसी, आईओसी बनाने के बाद एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे उसके अंदर। अभी ट्रेडेड स्क्रिप्ट को प्रिंट करके चेक करते हैं एक बार, तो आईओसी के डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बन गई। अभी यहाँ पर हम लोग टारगेट पेस्ट करेंगे, अभी टारगेट हमारा आ गया ये। अभी स्टॉप लॉस देखेंगे, स्टॉप लॉस प्रिंट करेंगे तो स्टॉप लॉस भी हमको मिल गया। अभी हम इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का टारगेट निकालना है तो इस तरह से हम करेंगे, फिर तो हमें टारगेट मिल जाएगा। ट्रेडेड यहाँ पर हमको देना पड़ेगा टारगेट इक्वल्स टू, इससे मिलेगा हमें टारगेट, स्टॉप लॉस मिलेगा हमको, यहां से मिलेगा हमको स्टॉप लॉस,
अभी हमको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इस डिक्शनरी में है कि है या नहीं। ओके वो उसके लिए हम ट्रेडेड स्क्रिप्ट प्रिंट करा। सेव डाला हमने, किया सेव। गूगल करेंगे इसको हाउ टू चेक की एग्जिस्टिंग पाइथन डिक्शनरी। तो जाएंगे डिक डॉस की, इफ की इन डिक डॉट कीज। ओके सिंपल ही लगाना है। इफ स्क्रिप्ट SERPT स्क्रिप्ट इन ट्रेडेड स्क्रिप्ट डॉट कीज। स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे हो गई, स्क्रिप्ट हम देते हैं सेल को और अब चेक करते हैं। फॉल्स, फिर स्क्रिप्ट को देते हैं हम IOC, IOC दिया, दिया ट्रू। अगर स्क्रिप्ट हमारी ट्रेडेड है तो ट्रेडेड स्क्रिप्ट की उसमें डिक्शनरी में मिलेगा हमको। जैसे ट्रू हो जाएगा तो हम LTP चेक करेंगे। LTP चेक करने के बाद हम टारगेट निकालेंगे। टारगेट निकालने के बाद अगर ट्रेडेड टाइप बाय है तो ट्रेडेड टाइप भी होना चाहिए इसमें। तो इसमें देंगे हम ट्रेडेड टाइप, ट्रेडेड टाइप। ओके तो उसको हटा देते हैं इसे। ये बाय दिया है यहाँ पर, ट्रेडेड सेल, टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेडेड टाइप हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ट्रेडेड टाइप क्या मिला है हमको। ट्रेडेड टाइप इक्वल्स टू मिल गया। ओके एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम बोलेंगे प्लेस्ड बाय ऑर्डर, प्रिंट प्लेस्ड अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर ऑर्डर ऑफ। यहाँ पर देंगे स्क्रिप्ट का नाम, यहाँ पर लिखेंगे हम प्लीज सेल ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेल ऑर्डर का स्क्रिप्ट। ओके अभी यहाँ पर एग्जिट करने के बाद लिखेंगे ऑर्डर एग्जिटेड ऑफ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम दिया। स्टॉप लॉस से टारगेट हिट हुआ तो ये प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस से टारगेट प्रिंट हुआ तो ये प्रिंट कर रहा है। ओके एक बार एग्जिट हो गया तो हमें उसे की से भी निकालना पड़ेगा। तो ट्रेडेड स्क्रिप्ट में गए, ट्रेडेड स्क्रिप्ट में एक बनाते हैं सेल को एंटी डिक्शनरी दी। ट्रेडेड स्क्रिप्ट प्रिंट करें, ट्रेडेड स्क्रिप्ट डॉट रिमूव, रिमूव सेल। ओके रिमूव की फ्रॉम स्क्रिप्ट पाइथन, रिमूव में गए यहाँ पर पॉप, सिंपल पॉप करेंगे। ओके
JavaScript.pop need to remove key from dictionary, सिंपल डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट या रिमूव, डिलीट टू रिमूव अ डिक्ट, रिमूव मनी, मनी हमने डिलीट करा, ओके तो ट्रेडेड डिस्क्रिप्ट एक बार प्रिंट करते हैं, ओके हो गया, पॉप से भी वर्क कर गया, ट्रेडेड स्क्रिप्ट JavaScript.pop स्क्रिप्ट का नाम एग्जिट करने के बाद वो स्क्रिप्ट को हमने ट्रेडेड वाली उसमें से डिलीट कर दिया। ओके अभी एंट्री लेते टाइम ट्रेडेड इज इक्वल टू नन, तो एंट्री लेते टाइम भी हमें चेक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हमने ट्रेड लिया है कि नहीं। Traded. यहाँ पर एक बार पीडी भी लगाते हैं, रन करते हैं, मंडी पहले इफ ट्रेडेड स्क्रिप्ट इनकी, इफ ट्रेडेड स्क्रिप्ट नॉट इनकी में चेक कर सकते हैं, इफ ट्रेडेड स्क्रिप्ट इनकी फॉल्स Not in case true. Okay. तो इसकी जगह हम लोग नॉट इन केस, नॉट इन केस ओके एक बार ऊपर से देखते हैं पूरा, वॉच लिस्ट आ गई, वॉच लिस्ट के बाद एनपीटी ट्रेडेड स्क्रिप्ट नाम की डिक्शनरी बनाई, एक एक स्क्रिप्ट को वॉच लिस्ट में से पिक करा, उनका डेटा लिया 5 मिनट का, उस डेटा में हमने इंडिकेटर लगाया, इंडिकेटर लगाने के बाद वीवैप कॉल करा, वीवैप कॉल करने के बाद कंडीशन सारी क्रिएट करी, लास्ट कैंडल में देखिए कंडीशन 1, 2, 3, 4, बाय ट्रेड के लिए हमने कंडीशन 1, 3 और 4 यूज करी और स्क्रिप्ट ट्रेडेड नहीं होना चाहिए तभी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर डिटेल्स में आ गई, एग्जीक्यूटेड प्राइस निकाला, एग्जीक्यूटेड प्राइस निकालने के बाद टारगेट बनाया, इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं, ट्रेडेड स्क्रिप्ट में वाली स्क्रिप्ट की डिटेल्स फिल करी, फिल करने के बाद सेल की कंडीशन चेक करी, ये रहा स्टॉप लॉस का, सेल की कंडीशन चेक करी, अगर सेल की कंडीशन मैच कर रही है तो सेल का ऑर्डर प्लेस होगा, फिर हम स्क्रिप्ट इन ट्रेडेड डॉट कीज है तो हम उसका एलटीपी कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद उसका टारगेट और स्टॉप लॉस निकाला, फिर अगर बाय है तो एलटीपी टारगेट से बड़ा हो गया है या फिर स्टॉप लॉस से छोटा हो गया तो एग्जिट कर देंगे बाय ट्रेड को, तो बाय ट्रेड के लिए एग्जिट का ट्रांजैक्शन टाइप सेल है, क्वांटिटी प्रॉपर, ऑर्डर टाइप प्रॉपर, ओके होने के बाद उसको स्क्रिप्ट में से निकाल देंगे और ऑर्डर एग्जिटेड प्रिंट, तो यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। ओके अभी एक बार रन करते हैं,
चेकिंग एंट्री फॉर स्क्रिप्ट नेम डालेंगे हम लोग स्क्रिप्ट लिस्ट बाय ऑर्डर है थोड़ा सा टैप 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 अभी करते हैं पाइथन ओके एशियन पेंट्स में हमको एक ऑर्डर मिला है आईओसी में मिला है आईओसी में देखते हैं हम लोग ब्लैक बॉक्स आ रहा है उसमें आप मूव कर ओके ब्लैक बॉक्स आ रहा है आपके पास एक मिनट अभी भी स्क्रीन विजिबल है सर कि नहीं है कोडिंग विजिबल है सर है हाँ ठीक है अभी कोडिंग में ओके आईओसी सेकेंड एंट्री फॉर अदानी बाय ऑर्डर आई डी सेल ऑर्डर आई डी एंट्री चेक करने गया आशा एशियन पेंट्स अदानी पोर्ट्स में एशियन पेंट्स में ऑर्डर प्लेस करा है इसने एशियन पेंट्स में एशियन पेंट्स तो एशियन पेंट में सेल कर रहे लास्ट कैंडल पे इसने हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करा था अभी स्क्रीन विजिबल है सर आपको जी ओके ठीक है एशियन पेंट को भी हटा देते हैं बहुत उसके लिए एशियन पेंट बजाज ऑटो बजाज फाइनेंस अभी एवरेज प्राइस नहीं मिल रहा हमको तो स्क्रिप्ट को हटाई देते हैं एक स्क्रिप्ट हम लोग रन करते हैं कम्युनिटी में भी कर सकते हैं तो वो हाँ एक मिनट जो वो हम लोग इक्विटी पे देख लेते हैं तो इक्विटी में हम लोग को मतलब हमारे टेस्ट हो जाएगा ओके हम ज्यादा स्क्रिप्ट में हमारी कंडीशन बन सकती है लोग यहाँ लेंगे इसको कंट्रोल शिफ्ट ओके ये हमारी वॉच लिस्ट बन गई इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ वॉच लिस्ट इक्वल्स टू दिस ओके जेड 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 कंट्रोल
तो अभी वॉच लिस्ट मैंने चेंज कर दिया टेस्टिंग के लिए, एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। HFCL का क्या है प्राइस? ओके, क्वांटिटी 55 दे है, क्वांटिटी को एग्जीक्यूटेड प्राइस नहीं मिला है हमको, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ओके, एग्जीक्यूटेड प्राइस इज नॉट डिफाइंड। ओके, एग्जीक्यूटेड प्राइस मिला है कि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। इसमें सभी ऑर्डर IMS में नहीं है, नॉर्मल दे सकते कैसा? क्या क्या बोले सर आप? सर ऑर्डर MIS में लेंगे या नॉर्मल में ले सकते हैं? MIS में लेंगे, MIS में लेंगे हम लोग ऑर्डर। सेल ऑर्डर ऑफ स्क्रिप्ट का नाम बाय होके फिर एग्जिट करने भी चला गया ऑर्डर, तो ये देखना है एग्जिट करने क्यों जा रहा है। ये पॉप तक पहुंच चुका है, वन वन टू में यहाँ पर जाएगा। रिजेक्टेड हुआ है इसलिए क्वांटिटी को हम करते हैं वन, क्वांटिटी आपका ऑर्डर HFCL में आप बोल रहे हो एग्जीक्यूट हुआ है, ओके जी। पर इसमें कमीशन तो आगे दिखी थी, ये आपको जोधा में देखना। नहीं, ये अभी ICICI में देखिए। ओके, ICICI 12B2। ओके, इसमें ऑर्डर प्लेस हुआ है अभी, हम लोग यहाँ पर कंडीशन एक बार देखते हैं। ये ICICI B2 में अभी ऑर्डर प्लेस हुआ है, इसमें हम लोग कंडीशन देखेंगे। ICICI B2 अभी टेस्टिंग के लिए मैंने स्क्रिप्ट रखी है, इसमें आप देखेंगे ना तो पीछे ये बाय की कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पर इसने बाय का ऑर्डर प्लेस करा है। स्क्रिप्ट अभी टेस्टिंग के लिए रखी, वो हम लोग चेंज करेंगे अभी, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्ट में हम लोग को कंडीशन सेटिस्फाई होकर मिल जाए। यहाँ पर कंडीशन मैच कर रहा था सुपर ट्रेंड की, तो पिछले बाय ऊपर सुपर ट्रेंड नीचे है ना, सुपर ट्रेंड ग्रीन है, देखिए ना ये ग्रीन है सुपर ट्रेंड। ऑलरेडी पहले ही बाय चल रहा है। हाँ, तो हम लोग ने सिस्टम अभी स्टार्ट करा था ना इसलिए। सर ऐसे नहीं है, जैसे कि उसी कैंडल के सुपर ट्रेंड की भी एंट्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सुपर ट्रेंड पीछे से ग्रीन चल रहा है या पीछे से सेल चल रहा है, ऐसा कंडीशन नहीं है। ओके, जस्ट शिफ्ट हुआ होना चाहिए क्या सुपर ट्रेंड? जैसे कि आप देखो ना, जैसे ये वाला ग्रीन होना चाहिए जस्ट ऐसा। हाँ, जैसे उसी कैंडल पे उसकी कंडीशन है सुपर ट्रेंड की। ओके ठीक है, वैसा देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो उसके लिए हमको सुपर ट्रेंड हमारा लास्ट कैंडल का डिटेल दिया है, हमको सेकंड लास्ट कैंडल का भी डिटेल देना पड़ेगा। सेकंड कंप्लीटेड कैंडल डेटा इसको करेंगे -3, और सेकंड कंप्लीटेड कैंडल का इसको डालेंगे कंडीशन, कंडीशन 5 इक्वल्स टू सेकंड कंप्लीटेड कैंडल
इसी में डाल देते हैं इसको, कंडीशन वन में। उसी कैंडल में सुपरनेट का भी सिग्नल हो ना, तभी वर्किंग। पीछे से जो सुपरनेट बाय कर रहा है या पीछे से सेल कर रहा है उसके रिगार्डिंग वो काम नहीं कर सकते। ओके ठीक है। माइनस होना चाहिए और ये वाला प्लस होना चाहिए। और इसमें रखा था NACTFH। ये अभी सर मैंने एक स्क्रिप्ट लिस्ट बनाई है, ठीक है, ये भावा कॉपी जो होती है ना हमारी जी उसमें सर, क्योंकि अभी ऑर्डर प्लेसमेंट में हमको चेक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैंने इक्विटी में ही भावा एक प्राइस रेंज के बीच में की स्क्रिप्ट बनाई है। ओके तो अभी हम लोग रन करते हैं, आपकी वो वाली कंडीशन भी ऐड कर दी मैंने। सर आप कहाँ से बोल रहे हो? हम तो सर अभी हमारा लोकेशन पुणे है।
तो अभी रन करते हैं, अब देखते हैं हम लोग हमारे कंडीशन के हिसाब से मैच करती है। NIACL NIACL है क्या स्क्रिप्ट? NIACL इसमें क्या दिक्कत हो गया अभी? स्क्रिप्ट नॉट इंक्लूडेड डॉट कीज 91 में, 91 में हम लोग देखेंगे। सेकेंड लास्ट कंप्लीटेड कैंडल का सुपर ट्रेन होना चाहिए। फिर आ करते हैं सर, कॉल आ रही है, कॉल में मैं पिक कर सकता हूं? ले लीजिए, थोड़ा सा क्विक करिएगा, जस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं स्किप कर देता हूं, बाद में करता हूं। जी ओके। तो अभी हम देखेंगे थॉमस कुक में हमारा, जैसे TFH में कुछ इशू आया, थॉमस कुक में हमारा देखते हैं ऑर्डर प्लेस हुआ है। थॉमस कुक ओके। इस देखिए सर, यहाँ पर अभी सारी कंडीशन मैच हुई है आपकी, करेक्ट? कौन सी? हाँ जी बिल्कुल। ओके पर यहाँ पर सारी कैंडल का वो हाई ब्रेकिंग है। ओके करेक्ट ना सर, यहाँ पर सारे कंडीशन मैच हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक थॉमस कुक सर में उस कैंडल का हाई भी ब्रेक होना चाहिए। हाई ब्रेक होना चाहिए। हाँ हाई लो, जो सेल का है ऑर्डर है तो उसका लो, और जो उसका बाय का है तो उसका हाई, बफर देके 1-2 पॉइंट। सर एक्चुअली अभी हम लोग ने मतलब जो स्ट्रेटेजी डेवलप करी ना वो इसके अकॉर्डिंगली करी, तो इसमें आपने बताया नहीं था, तो हम लोग अभी इसके हिसाब से चलते हैं। ओके जी ठीक है, बिल्कुल ओके तो अभी इसमें कंडीशन बन गया है, तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो गया है हमारा। ओके तो एक बार हम लोग TFH में देखते हैं, THF में क्या है। TFH नाम का कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ओके कुछ तो इश्यू है उसमें। ओके तो अकॉर्डिंगली आपका स्क्रिप्ट सिस्टम रेडी हो चुका है, ये आपका एल्गो है। ओके यहाँ पर आपकी कंडीशन जो भी थी सेटिस्फाई हो गई, सिस्टम ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कंडीशन मैच कर रही है। अभी आपका सर एल्गो ट्रेडिंग को लेके आपका क्या पॉइंट है, मतलब आप क्यों स्विच करना चाहते हैं, आपको आप फ्यूचर में क्या दिखता है उसके अकॉर्डिंग? दोबारा बोलूँ? हेलो, बताइए दोबारा। एल्गो ट्रेडिंग में आपका स्विच करने का क्यों माइंड बन गया, क्या माइंड सेट था आपका? सामने सिस्टम से बैठना पड़ता है, और मैं अच्छा गवर्नमेंट जॉब होने के कारण मैं सेंटर देख सकता हूँ। मेरी ओके मेरी कंडीशन फुल थी, और मेरा जो ट्रेड आईडी वो है, कुछ तो ट्रेड मतलब आए वो जैसे ये बैंक कि निफ्टी या निफ्टी है, इसमें करना हो तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज जो स्टॉक में है उसमें देखने की जरूरत ना पड़े। ओके ओके तो इसमें बैंक निफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर डाला है कि जस्ट आपको दो चेंजेस करने रहेंगे स्क्रिप्ट में। नाम आपको अगर फ्यूचर्स का जो भी ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको उसका स्क्रिप्ट का नाम डालना रहेगा। ओके एक्सचेंज में आपको NFO देना रहेगा बस। ओके क्योंकि अभी मैंने टेस्टिंग इक्विटी पे करी थी, तो स्क्रिप्ट मैंने उस हिसाब से रखी थी। स्क्रिप्ट सॉरी, यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट डाल दी, यहाँ पर स्क्रिप्ट दी हुई है। ओके यहाँ पर स्क्रिप्ट लिस्ट आपको डालनी पड़ेगी, उस हिसाब से वो सिस्टम उसी स्क्रिप्ट में ट्रेड करेगा। ओके और अगर आप NFO में कर रहे हैं तो यहाँ पर NFO देना है, इक्विटी में कर रहे हैं तो इक्विटी में कर रहे हैं तो NSE देना है, NFO में कर रहे हैं तो यहाँ पर NFO देना है आपको बस। ओके और उस हिसाब से सिस्टम को आपको रन करना है, सिस्टम आपका ऑर्डर प्लेसमेंट चालू कर देगा। ओके अभी आपको सर कैसा लग रहा है, आपका स्क्रिप्ट नेक्स्ट डे से एल्गो में रन होगा तो आपको किस तरह से फीलिंग आएगी? सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ आपके ऑर्डर्स देखना है। सर वो तो एक बार टेस्टिंग के बाद ही पता लगे प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। हाँ सर ऑब्वियस है, अगर आपका स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है तो सिस्टम भी ऑर्डर उसी हिसाब से प्लेस करेगा और आपका फिर मैंने 1 साल से काम कर रहा हूँ उसमें। मुझे तो वैसे इतना हो रहा है सर, मैं आपको बताना भूल गया, जो मेरी मिस्टेक है कि जब इसका हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा उसके बफर देखिए, 2 पॉइंट की एंट्री है, ये ओके बहुत ओके
80-90% इसकी जो एक्यूरेसी मिली अभी तो मिल रही, क्योंकि ओके मैनुअल करने में थोड़ा इतना होता है भी एक पॉइंट और वेट कर लें, एक पॉइंट और वेट कर लें, और ये सही एल्गो होगा तो उसने तो ट्रेड ले लेना है, ओके उसने वेट नहीं करना। ओके ओके चलिए सर, आपका होप करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी और आपका प्रॉफिट बहुत अच्छे से ग्रो करे। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू फॉर करेक्टिंग।